फ्लावर चैनल प्रकाश ड्रीम टीम, आज जो मैच होने वाला है PRSW और MLSW, पर्थ स्कॉचर और मेलबोर्न स्टार। पर्थ स्कॉचर का देखा जाए तो सोफिया डिवाइन जो है बेस्ट ऑलराउंडर, जो अपने फॉर्म में आ गई है। एक दो मैच स्टार्टिंग में जो फॉर्म में नहीं थी, लेकिन सोफिया डिवाइन अपने फॉर्म में आ गई है। अपने मैच में जो है 50, 45, 50, 60, 70, 100 एक सेंचुरी भी मारी है और विकेट भी लेती हैं। तो सबसे पहला पिक पर्थ स्कॉचर के लिए सोफिया डिवाइन रहेंगी। इधर से विकेट कीपर में देखा जाए तो मूनी और जो है एन फाल्टून है। एन फाल्टून जो सबसे नीचे बैटिंग करने आती है और बेथ मूनी जो है ऊपर बैटिंग करने आती है, इसलिए विकेट कीपर में बेथ मूनी को पिक किया जा सकता है। और देखा जाए तो सी पी प्रो जो है उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाई है। एम बैंटिंग जो है अच्छा बैटिंग करती है, एम बैंटिंग को भी पिक किया जा सकता है। बोल्टन जो है ऑलराउंडर है, दो विकेट भी लेती हैं, पिछले मैच में दो विकेट भी ली थी और रन भी मारी थी, इसलिए बोल्टन भी एक पिक होगी। बेथ मूनी तीसरा। हीथर ग्राम जो है पिछले मैच में जो है विकेट ली है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करती हैं, लेकिन हीथर ग्राम सारे मैच में अभी तक चली नहीं है। पिछले मैच में चल गई हैं अलग बात है, लेकिन मैं अभी इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। इधर देखा जाए तो जे बर्स भी जो है बॉलिंग करती हैं, बैटिंग उनका आता नहीं, उतना ज़्यादा मारती नहीं है। एल डाउन जो है अभी तक कोई भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, जब भी बैटिंग करने का मौका था 2, 3, 4, 5 से ज़्यादा नहीं रन मारती है, विकेट भी नहीं लेती हैं। सारा ग्लेन जो है प्रत्येक मैच में विकेट लेती है, टी पास्कल भी प्रत्येक मैच में विकेट लेती है, पी क्लियरली जो है किसी किसी मैच में विकेट लेती है, किसी में नहीं लेती है। उधर देखा जाता है मेलबोर्न स्टार का, उधर का भी बैटिंग लाना बहुत अच्छा है, जिसमें विलानी और लैनिंग जो ओपनिंग करती हैं, ये बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। लैनिंग को आप पिक कर सकते हैं, विलानी को भी पिक कर सकते हैं। एन सेवियर जो है ऑलराउंडर है, जो पिछले मैच में एक विकेट लिया था, प्रत्येक मैच में वो विकेट लेती है और रन भी मारती है। इस टीम के बेस्ट प्लेयर जो है एन सेवियर हुए। एम डुप्रेजा को भी रखा जा सकता है, ये भी बैटिंग करती है और विकेट भी लेती हैं। इधर से देखा जाए तो बॉलिंग में मेरे ख्याल से ए किंग जो है प्रत्येक मैच में विकेट लेती है, एक या दो विकेट लेती है, बैटिंग का इनको मौका नहीं मिला, तो इनको भी पिक किया जा सकता है। टी फ्लिंटॉप जो है किसी मैच में चलती है, किसी मैच में नहीं चलती है। एन फाल्टून को तो रखना ही नहीं है, क्योंकि विकेट कीपर में हम लोगों ने बेथ मूनी को रख लिया है। सुथरलैंड को रखा जा सकता है, ये कभी कभी जो है जब विकेट गिर जाता है तो कुछ टिक के रन मारती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इधर का जो बॉलिंग लाइनअप है बोल्टन डिवाइन और हीथर ग्राहम के आगे, ऊपर का बैटिंग लाइनअप जो भी चलना है चल सकता है, लेकिन नीचे का मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। इधर से देख सकते हैं तो एस डे के जगह या एच फील्डिंग को भी रखा जा सकता है। तो प्लेइंग 11 हम लोग अपना बनाते हैं, जिसमें देखेंगे कि कौन सा प्लेयर चलेंगे। तो सबसे पहला तो सोफिया डिवाइन रहेंगे, विकेट कीपर में बेथ मूनी, थर्ड में आप बोल्टन को रख सकते हैं। इधर से बोल्टन जो है ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करती हैं, निकोल बोल्टन बॉलिंग बैटिंग दोनों करती हैं। उधर से ही देखा जाए तो बिलानी, लैनिंग, उसके बाद एन सेवियर को हम लोग पिक करते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करती हैं, तो एन सेवियर को रखा जा सकता है। ए किंग जो है सबसे कम पॉइंट का, 8 पॉइंट का प्लेयर है, क्योंकि जो है अपना सोफिया डिवाइन जो है 11 पॉइंट की प्लेयर है, इसलिए थोड़ा सा कम प्लेयर का भी, कम पॉइंट का प्लेयर को भी रखना जरूरी है। एच फील्डिंग को भी रख सकते हैं। इधर से आप हीथर ग्राहम को भी पिक कर सकते हैं, क्योंकि हीथर ग्राहम ऑलराउंडर में अच्छा बॉलिंग कर रही हैं, कभी कभी बैटिंग का मौका मिलता है तो बैटिंग भी कर लेती हैं। 9 प्लेयर हो गया, 2 प्लेयर आप किसी और को भी चूज कर सकते हैं, जिसमें डुप्रेजा एक रखेंगे। एक प्लेयर जो है आप इसमें से एम बैंटिंग को भी रख सकते हैं, पिप्रो को भी रख सकते हैं, या इधर से आप सुथरलैंड को भी रख सकते हैं। तो मैं सुथरलैंड और बैंटिंग, ये जो तैयार हुआ है प्लेइंग 11, इसमें से देखा जाए तो सोफिया डिवाइन सबसे ज़्यादा फेमस प्लेयर हैं, जिसको आप सब लोग कैप्टन बनाते हैं। मेरे ख्याल से जब भी ये टीम बनेगा तो उसमें से 70% लोग कैप्टन सोफिया डिवाइन को बनाएंगे। एक टीम में सोफिया डिवाइन कैप्टन होंगी, बोल्टन वाइस कैप्टन रखा जा सकता है। एक टीम में आप इस एन सेवियर को कैप्टन रख सकती हैं, कैप्टन एन सेवियर जो विकेट भी लेती हैं और फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन आके बैटिंग भी करती हैं, तो कैप्टन के रूप में एन सेवियर को रखा जा सकता है। वाइस कैप्टन में सोफिया डिवाइन को रख सकते हैं, या आप बेथ मूनी को भी रख सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो अब जो प्लेइंग 11 बना है, इससे आप 4, 5, 6 जितने भी टीम बनाना चाहें बना सकते हैं, विनिंग टीम बना सकते हैं इससे, क्योंकि हमारे ख्याल से ये प्लेयर जो चलते हैं। लेडीज़ के जितने भी मैच है उसमें सबसे ज़्यादा ऑलराउंडर चलते हैं, इसमें से 4 ऑलराउंडर आप पिक कीजिए, मैच को जीतिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।